चलिए आज जो है उसी गीलू चैप्टर का जो है आप लोगों का वर्ड्स मीनिंग जो लिखवा रहे थे हार्ड वर्ड्स, उसमें और कुछ बाकी रह गए थे, आज जो है वर्ड्स मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस गीलू चैप्टर का आज इसे कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद से हम लोग फिर इसका लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होगा उसे मैं कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें एब्सटेंट ये होता है ABSTAIN एब्सटेंट, एब्सटेंट मीन्स होता है दूर रखना, दूर रखना। नेक्स्ट होगा टैकल, TACKLE टैकल, ठीक है। टैकल मीन्स होता है सामना करना, फेस जिसको कहते हैं फेस करना, सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोज लिया, ये पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। वी टू का प्रयोग किया गया है, इसको क्या कहेंगे, खोज लिया। नेक्स्ट वर्ड है लाई, LIE लाई, ठीक है। यहां जो है ये जो ले लिखते हैं उसी का है भी ले, ले डाउन जो लिखा जाता है लेट जाना, वही इसका वर्ब फॉर्म है लेट जाना। लाई मीन्स ये होगा, इसके बाद से प्रोस्ट्रेट, TRATE प्रोस्ट्रेट, PROSTRATE प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मीन्स जमीन पर, प्रोस्ट्रेट मीन्स जमीन पर लेट जाना। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके लिटरेचर में पढ़ते समय क्लियर करेंगे मीनिंग को। जैसे यहां कहता है बेयरली, PERE है, BERELY बेयरली, बेयरली मीन्स होता है मात्र। नेक्स्ट होगा लेस, LEAS लेस मीन्स इसका होगा पट्टा या ठीका भी जिसको कहते हैं, ठीका लेना, लेस, लीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीज, लीज के काम हुआ है, ठीक है, वही लीज है, LEASE लीज मीन्स ठीका। वेंचर आउट, VENTURED वेंचर्ड आउट, वेंचर्ड आउट मीन्स खतरे में डालना, ओके, खतरे में डालना, वेंचर्ड आउट। इसके बाद होगा क्लच, CLUTCHED क्लस्ट, ठीक है। क्लस्ट मीन्स होता है कस कर पकड़ना, या कस कर पकड़ लिया, ठीक है। क्लस्ट ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्लस्ट मीन्स कस कर पकड़ लिया। इसके बाद आईसी, ICY आईसी मीन्स बर्फीला जिसको कहते हैं, शीतल ठंडा, शीतल मीन्स ठंडा। इसके बाद होता है नटल, NATAL नटल, ये एज है जैसे सैसवा अवस्था,
नटल इसको कहते हैं। ओके, सैसवा किस हो गया, शिशु एकदम पोद में का बालक, उसको सैसवा कहते हैं, उसे नटल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा वार्म्थ, डब्ल्यू ए आर एम टी एच, वार्म्थ मीन्स गर्मी। इसके बाद है डिपार्टेड भी होता है अलग हो जाना, ठीक है ना, लेकिन यहां सेंस जो दे रहा है वह अलग का ही सेंस दे रहा है, लेकिन अंत पास्ट में दिया है तो अंत कर लिया या अंत कर गया, ठीक है, मतलब समाप्त कर गया, अलग कर दिया, टेकन ऑफ। ये हो गया टेकन ऑफ, मतलब खोल लिया गया, टेकन ऑफ एस डबल ओ के, हुक, हुक मीन्स होता है कांटा, या हुक का हुक भी होता है, फंसाने वाला जो हुक होता है कोई भी चीज उसको भी हुक कहते हैं। इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल मीन्स होता है अंतिम, क्रीपर, क्रीपर मीन्स होता है लत्ता या लत्तर, जिसको लत्तर भी कहा जाता है। अब भर्ब में देखेंगे तो भर्ब में हो जाएगा रेंगने वाला, क्रीपर मीन्स जब भर्ब बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा रेंगने वाला, और नहीं तो नाउन का काम करेगा तो उसमें बन जाएगा लत्ता, जो लत्ता बनता है प्लांट में। इसके बाद से है सैटिस्फैक्शन, ओके, एस ए टी आई एस एस ए टी आई ओ एन, सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि। सैटिस्फैक्शन इसके बाद है डेराइव, डी ई आर आई ई, डेराइव, डेराइव मीन्स निष्कर्ष निकालना, डेराइव मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। ओके, इसके बाद है बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, बिलीफ, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलीफ, बिलीफ मीन्स विश्वास, बिलीफ मीन्स विश्वास। इसके बाद से है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मीन्स होता है फूलना या खिलना, ठीक है ना, खिलना, फूल का खिलना, खिल जाना, फूल जो खिलते हैं उसको फ्लावरिंग कहते हैं। और ब्लूजूम, ब्लूजमिंग, ब्लूजमिंग, ठीक है ना, ब्लूजमिंग मीन्स भी होता है खिलना, मतलब डेवलप करना, ठीक है, ब्लूजमिंग मीन्स डेवलप करना। ये हो गया, इसे आप लोग तुरंत अभी नोट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसके बाद से इन द
इन द गेज ऑफ, इन द गेज ऑफ मीन्स होता है के रूप में, किसी के रूप में, इन द गेज ऑफ, इसके बाद से हो जाएगा ट्विटरिंग। ट्विटरिंग मीन्स होता है चहकना। ट्विटरिंग जब वर्ब का काम करेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा चहकना या चहचहाना, दोनों होता है। इसके बाद से ट्रांसपायर्ड, टी आर ए एन एस P-I-R-E-D, transpired, इसको क्या पढ़ेंगे, transpired, transpired means प्रकट होना। Spotted, spotted means देखे जाते हैं या देखे जाते हैं, ठीक है। वायर मेस्ड, इसका मतलब होता है वायर मेस्ड मीन्स जाली युक्त, मतलब जाली वाला, ठीक है, वायर मेस्ड। Affectionately, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे A डबल F E C T I O N A T E L Y, affectionately, affectionately means स्नेह से, प्यार से, ठीक है ना। इसके बाद से हो जाएगा fearing, यानी मीन्स झांकना। रिमूविंग, रिमूविंग मीन्स हटाना। नेल्स, नेल्स मतलब ही होता है कांटी, कील। वायर मेस मतलब तार की जाली, वायर मेस। थ्रिल, थ्रिल मीन्स होता है रोमांचित। थ्रिल मीन्स रोमांचित। नेक्स्ट हो जाएगा लिबरेटेड, एल आई बी ई आर टी ई डी, ठीक है, सॉरी आर ए, आर ए टी ई डी, लिबरेटेड मतलब होता है स्व छंद, पूरी तरह से स्वतंत्र रहना, ठीक है ना, अपने को स्वतंत्र महसूस करना, स्वच्छंद। टोए, टोए के बारे में तो पता ही होगा, पैर की उंगली, पैर की उंगली, इसको टोए कहते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास।
एग्जिस्ट ई आई एक्स आई टी एग्जिस्ट मीन्स अलग होना या बाहर आना, ठीक है, जिसको निर्गम भी कहा जाता है। ब्रांचिंग पी आर ए एन सी आई एच डी ब्रांचिंग मीन्स होता है इठलाकर चलना, ठीक है, इठलाकर चलना, जो इठलाकर जो है वह गिलू खुशी से इधर उधर चलता है, सही से नहीं चल पाता है खुशी से। फॉन्ट ऑफ एफ ओ एन डी फॉन्ट ऑफ मीन्स होता है शौकीन या स्नेही, जो ज्यादा स्नेह हो रखता हो। एक्सेप्शन भी होता है अपवाद या के अलावा, ठीक है, अपवाद। मोमेंट एम ओ एम ई एन टी मोमेंट मीन्स होता है क्षण, पल, क्षण या पल, मोमेंट। इमर्ज ई एम ई आर जी ई इमर्ज मीन्स होता है प्रकट होना। क्रॉस ओवर मीन्स पार करना। क्रॉस ओवर मीन्स क्या हो जाएगा, पार करना। नेक्स्ट लिखेंगे कोर्टयार्ड सी ओ यू आर टी वाई ए आर डी कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, ठीक है, तो इसे ही आप नोट करेंगे। चलिए तो आगे देख लेते हैं, इसके बाद से कोर्टयार्ड के बाद क्या है। डेक्स टेरोसली डेक्सटरसली मीन्स होता है निपुणता से या दक्षता भी इसको कहते हैं, दक्षता से, क्या पढ़ेंगे, निपुणता से या दक्षता से। डेक्सटेरोसली, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इसके बाद से होगा स्विंग एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, ठीक है, तो स्विंग मीन्स क्या होता है जी, झूला। नेक्स्ट हो जाएगा इंजोर्ड मीन्स होता है घायल, इंजोर्ड मीन्स घायल या जख्मी, जो चोट लग गया हो, जख्म उसमें आ गया हो, उसे इंजोर्ड कहते हैं। रस डाउन मीन्स हो जाएगा तेजी से नीचे उतरना, रस डाउन। इसके बाद से है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होगा फुर्ती, इसको एक्टिव भी कहते हैं। स्कटल
एस एस सी यू डबल टी एल ई, ठीक है ना, स्कटल मीन्स हो जाएगा छोटे कदमों से दौड़ना। ओके, इन दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन मीन्स हो गया अस्वस्थता। स्ट्रॉक, एस टी आर ओ के ई, स्ट्रॉक, स्ट्रॉक मीन्स धीमे से छूता, मैंने टच करता था धीरे से, जो है हल्के से आकर वह उंगली पकड़ता था। जी लो, अटेंडेंट ए डबल डी, सॉरी ए डबल टी ई एन डी ए एन टी, अटेंडेंट, अटेंडेंट मीन्स होता है परिचारक, मीन्स असिस्टेंट, उनका जो भी उनके साथ रहने वाला था गीलू के साथ, सॉरी महादेव और माँ के साथ जो रहता था उसे परिचारक कहते हैं, जो उनका साथ रहता था। तो ये हो गया ये आपका जो है यहां जाके आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग जो है जितना वर्ड्स था, जितना भी हार्ड वर्ड्स था और ढूंढ ढूंढ का मैंने लिखा दिया, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग जो है इसको बेहतर ढंग से समझ सके, ठीक है, और अच्छा से अच्छा इसे जो है चैप्टर को क्लियर कर सके। ये आपका चैप्टर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है आना ही आना है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से हम यदि एक एक सेंटेंस समझेंगे तो इससे हम खुद से भी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं तो खुद लिखाऊंगा ही। तो चलिए आज तक इतना ही, आगे नेक्स्ट डे में जो है आप लोगों को मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी होगा टोटल कराऊंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आप लोग जो है अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन दबाना ना भूलें, ताकि मुझे भी यह जो है पता चलते रहे कि आप लोग जो है इसके लिए कितने सिंसियर है और कितना इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोगों को कितना इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो चलिए आज तक।